अब कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो गया है। आलू 5 रुपए किलो में खरीदा और 40 रुपए किलो में बेचा। असली आजादी की लड़ाई आपने लड़नी है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। हमारा देश चंद पूंजीपतियों का गुलाम हो गया है। दो चीज है हमारे पास, एक है हमारे पास हमारी खेती और दूसरी है हमारे पास हमारी मजदूरी। शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम लड़ नहीं रहे वहां तक, और क्यों नहीं लड़ रहे मेरे को समझ नहीं आता। हमारे देश की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उदित राज जी आज की पंचायत में बैठे सभी हमारे भाइयों बुजुर्गों हमारी बहनें हमारे मीडिया वाले भाई, उदित राज जी ने बड़ी अच्छी एक शुरू में बात कही थी कि इस संविधान को बिछा दीजिए। संविधान की सबसे पहली लाइन ही यह है कि लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन अब वो बचा नहीं है। अब कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो गया है। ये जो कानून बनाए ये खेती कानून नहीं है, ये तो एग्रो बिजनेस कानून है, ये तो खेती के व्यापार के कानून है। और कोई भाई पूरे देश में इस गलतफहमी में ना रहे कि ये केवल किसानों के लिए है। किसान का नुकसान तो बेचते समय होगा कि पूरे वर्ल्ड की एक मार्केट बन गई है। WTO में जो हमारा देश शामिल हो गया है, पूरे वर्ल्ड के रेट पे हमारा माल बिकेगा। और जब पूरे वर्ल्ड के मुकाबले बिकेगा तो हमें भाव नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ क्या होगा, हम तो 75% जिसके पास जमीन है वो तो 75% खाने का सामान अपना खुद पैदा करता है, 25% बाजार से खरीदता है। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वो तो 100% बाजार से खरीदता है। और जब वो पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो फिर वो उसके ब्लैकमेलिंग करेंगे। आपके सामने है, 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र सरकार, और 7 या 8 व्यापारी थे देश के, इन्होंने सारे देश की दाल खरीदी और जो आयात होनी थी उसके भी सौदे सामने कर लीजिए। शॉर्टेज पैदा की, पिछले साल से उस साल में दाल ज्यादा है, रिकॉर्ड आदमी कोई निकलवा के देख सकता है। और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची। आपके सामने है, 8 रुपए किलो में हमारे से प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो में बेचा। हमारे देश के अंदर कोई कानून आज तक नहीं है कि अधिकतम कितने में बेचेगा, भाई लेके कितने गुणा मुनाफा कमाएगा, ऐसा कानून हमारे देश में नहीं है। आलू 5 रुपए किलो में खरीदा और 40 रुपए किलो में बेचा, तो भाई खरीदने खाया, पेट तो सबका है, खाना तो सबको है, और भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन प्रकृति का दिया हुआ सबके लिए है, सबके लिए। बच्चा पैदा होने से पहले दुनिया में दूध पैदा हो जाता है, पत्थर में जो कीड़ा है ना उसके लिए भी भगवान ने पैदा किया है। भोजन कभी व्यापार नहीं होता, इन्होंने भोजन का भी व्यापार कर दिया। हम आपसे बस इतना अनुरोध करने आए हैं कि ये देश सबका है, हम भूल जाएं, हम भट गए कहीं दलित में, कहीं स्वर्ण में, कहीं जातियों में, कहीं धर्मों में, और उसका फायदा ये चंद लोग ही उठा रहे, ये चंद लोग उठा गए। जो ये बड़े बड़े कारपोरेट वाले हैं ना,
या बड़े बड़े नेता है ना, इनका ना कोई जाति है और ना कोई धर्म है। आप देख ले कितने बीजेपी वाले हम गणवा सकते हैं जो हिंदू है और रिश्तेदारी मुसलमानों से है, इनका कुछ नहीं। हम लोग बट गए, अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 बन जाए। और जब एक लड़ाई क्या है, आज एक आदमी की आमदन है 1 घंटे की 90 करोड़, और हमारे दूसरे नागरिक की आमदन 1 घंटे की 9 रुपए नहीं, कितने परिवार हैं, कहां जी रहे हैं हम। आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पर खड़ा है। आज हमारा देश 2014 का जो आंकड़ा है, हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार है, 45% बच्चों को हम पूरा खाना नहीं दे पा रहे। आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, है कोई इलाज कराने का साधन? तो फिर ये देश किस लिए आजाद करिए, कौन सी आजादी है? असली आजादी की लड़ाई आपने लड़नी है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। हमारा देश चंद पूंजीपतियों का गुलाम होकर रह गया। और वो भाई ठीक कह रहा था, ये जो टीवी चैनल है ना, कह रहे हैं 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर में है। सबसे पहले इस कारपोरेट ने चैनल और अखबार अपने खड़े किए। आज कितने चैनल हैं अंबानी और अडानी के, कितने चैनल हैं और सुभाष चंद्र जैसे लोगों के। अरे भाई, पूरा कारपोरेट का कब्जा हो गया मीडिया पे, और पूरे कारपोरेट का कब्जा हो गया सत्ता पे। कितने अरबपति लोग हैं, कितने कंपनियों के मालिक हैं जो सीधे राज्यसभा के मेंबर बन गए, हमारे देश का हजारों हजार करोड़ लेके भाग गए राज्यसभा के मेंबर है। क्या गुण बता दी भाई, खाली पैसे की? तो हमारे देश का पूरे पैसे पे कब्जा हो गया है कारपोरेट से, पूरी माया कारपोरेट की, पूरा मीडिया कारपोरेट का, पूरी सत्ता कारपोरेट की। आज वो लड़ाई है 3 करोड़ों से पहले ही, कौन सा टाटा बिरला थे, 3 करोड़ों से पहले भी हम जिंदा रहने काबिल नहीं थे, और अब ये कानून और निचोड़ देंगे आपको। 2 चीज है हमारे पास, एक है हमारे पास हमारी खेती, और दूसरी है हमारे पास हमारी मजदूरी। शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा, हम लड़ नहीं रहे वहां तक, और क्यों नहीं लड़ रहे मेरे को समझ नहीं आता। हम क्यों चुप बैठे हैं, हम क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। हम इंसान जूनी में हैं, और हम फिर भी जुल्म के विरुद्ध ना लड़ पाए तो कब लड़ेंगे। 2 चीजें हमारे पास, और दोनों चीज लूट रही है। हम किसान को उसकी फसल का भाव नहीं है, और जो हमारा मजदूर है उसको उसकी मजदूरी का भाव नहीं। आज आप देखते हैं जो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं ना, किसी छोटी कंपनी में, किसी और उसमें फैक्ट्री में, कहीं और किसी शोरूम में, किसी मॉल में, क्या तनख्वाह है, 6,000-7,000। जो न्यूनतम रेट है मजदूरी का, न्यूनतम, वो भी शायद हरियाणा में 95% के करीब करीब है अनस्किल्ड का, उससे भी 3,000 कम, उससे भी 1/3 कम। और वो जो चीज है जो हमारी फसल का भाव नहीं मिला और जो हमारी मजदूरी का भाव नहीं मिला, वो ही सबसे बड़ी चीज है देश की, देश में देश की जीडीपी जिससे गिर रही है। अगर उनके पास पैसा जाएगा, जो टोटल पैसा बाजार में आता है जिससे देश की जीडीपी
जिंदगी भी कटती है, जिससे हमारा जीवन सुधरता है, उसी से बाजार चलते हैं, उसी से फैक्ट्रियां चलती हैं, उसी से व्यापार चलता है। ये व्यापार वाले भाई, ये छोटी फैक्ट्रियों वाले भाई, आज आधी से ज्यादा फैक्ट्री छोटी बंद हो गई। आज आधे व्यापारी सड़कों पे आ गए, आधे दुकान वाले सड़कों पे आ गए। आज पूरा ढांचा ध्वस्त हो रहा है और पूरा सिस्टम जो है, अब कल तो ये फिर बाजार भी खरीद लेंगे, और भाई रेलवे बेच दी, अड्डे बेच, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, सड़कें बेच दी, ये सड़कें मर्जी नहीं जाओ, टैक्सी टैक्स टैक्स, किस बात का टैक्स, मेरे को समझ नहीं आती बात की। अरे भाई जमीन हमारे देश की, बदरी तारकोल हमारे देश का, लेबर हमारे देश की, ये जहाज भी तो उसी सड़क से निकलोगे, उसी बेटा की जोड़े सड़क से निकलोगे, उसी बेटा की क्या बात। तो आप लोगों को जो पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो दलित हैं और चाहे वो स्वर्ण हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो खेती वाले हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, अब टाइम वो आ गया है कि लड़ाई जनता वर्सेस कॉरपोरेट की है, और इस जनता वर्सेस कॉरपोरेट की लड़ाई हमें एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी, हमें दिलों के भेदभाव मिटाने पड़ेंगे। और मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार अनुरोध कर चुका हूं, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि हमारे जो स्वर्ण भाई हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं, और जो हमारे दलित भाई हैं, वो सर छोटू राम की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं। फिर ये जो हमारी बहन कह रही थी कि रोहतक में मूर्ति कटवा दी गई सर छोटू राम की, ताकि ये आपस में भिड़ जाए, ये सारी चीजें अपने आप निकल जाए। बहुत सी चालें चलते हैं, धर्म के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे, जाति के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे, इलाके के नाम पे इन्होंने लड़वा के देखे, बीजेपी के पास और है चाहे इससे बात हो। तो साथियों, हमारी लड़ाई कोई पार्टी की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई धार्मिक नहीं है, हमारी लड़ाई है आर्थिक, हमारी लड़ाई है अपने पेट की, और पेट सबका है, चाहे वो किसी जाति के हो, चाहे वो किसी धर्म के हो। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करते हैं, उसी के लिए हम धन्यवादी हैं माननीय उदित राज जी के, जिन्होंने आज बहुत अच्छी पहल इसमें की, बहुत अच्छा इसमें आगे बढ़ के ये पहल की, और परमात्मा करे इस पहल को चार चांद लगे, पूरा देश का भाईचारा भी स्थापित हो, और पूरे देश के अंदर एक माहौल एक बने, इस बात को हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। चाहे आप बहुत यहाँ पे नेता लोग बैठे हैं, आप सभी के पीछे हजारों हजार लोग हैं, आप सभी वहाँ अपने सोशल मीडिया से प्रचारित कर सकते हैं, आपकी बात को फॉलो करेंगे लोग, आप अखबारों के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लड़ाई देश को बचाने, किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन, और ये जन देश सभी का है, तो इस देश को बचाने की लड़ाई है, और इस देश में हम सभी मिलके साथ होके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, और दलित भाइयों पे जरूरत होगी तो हम बराबर में आके खड़ेंगे, हमें जरूरत होगी दलित भाई बराबर में आके खड़ेंगे, हम छोटे बड़े भाई, और बस छोटे बड़े भाई का रिश्ता बना के हमें चलना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी संख्या में आपने आज पंचायत की, और जो उदित राज जी हैं, उदित राज जी के अति आभारी हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। कई किसान लीडरों को और भी आना था, लेकिन आज पंजाब की मीटिंग आ गई, वो आ नहीं पाए, और कई लोगों से और बात हो गई थी आने की, आ नहीं पाए, उनकी तरफ से माफ़ी भी चाहेंगे। और एक बार पुनः हम आप सभी का और माननीय उदित राज जी का धन्यवाद करेंगे।